11th जनरेशन सिविक को रिवील कर दिया गया है और इसका डिज़ाइन इसके लॉन्च से पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि 10th जनरेशन सिविक इससे ज़्यादा प्यारी है, कुछ लोग कहते हैं कि 11th जनरेशन सिविक इतनी स्पोर्टी नहीं है और ये अंकल्स कार है। लेकिन मेरे ख्याल से होंडा का एलिगेंसी की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है और नई आने वाली होंडा सिविक देखने में बाकी तमाम सिविक से बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम समीद है और आप देख रहे हैं व्हील अथॉरिटी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुंच सकें। 11th जनरेशन होंडा सिविक को सबसे पहले 2020 के शुरू में टेस्टिंग करते हुए देखा गया था, जिसकी अपडेट हमने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी दी थी। तो अगर आप इस तरह की अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उसके बाद नवंबर 2020 में होंडा ने 11th जनरेशन सिविक को ऑफिशियली रिवील किया था, लेकिन गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के अलावा कोई नई चीज़ रिवील नहीं की गई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके तमाम नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस भी रिवील होती गई और वो तमाम डाटा कलेक्ट करके हमने आज की वीडियो में आप तक पहुँचाया है। नई आने वाली होंडा सिविक का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट है, जबकि इसके मुकाबले में पुरानी होंडा सिविक का डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी था। और पर्सनली मुझे नई होंडा सिविक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। पुरानी सिविक के मुकाबले में नई सिविक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है और होंडा का कहना यह है कि पुरानी सिविक के मुकाबले में नई सिविक का फ्रेम ज़्यादा मजबूत है। होंडा सिविक में दो इंजन वेरिएशन आती हैं। सबसे पहला 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो तकरीबन 174 हॉर्स पावर और 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दूसरा इंजन 2 लीटर फोर सिलेंडर होता है, जिसकी जगह पाकिस्तान में वही पुराना अल मशहूर 1800 cc इंजन आएगा जो तकरीबन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इन दोनों इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन आती है और होंडा का कहना है कि उन्होंने ये CVT ट्रांसमिशन को भी रिफॉर्म किया है और उम्मीद है कि इस दफ़ा वो अपने इंजन को भी मजीद बेहतर करेंगे। अब अगर हम नई आने वाली होंडा सिविक के इंटीरियर की तरफ आए तो इसका इंटीरियर भी इसके एक्सटीरियर की तरह बहुत ज़्यादा एलिगेंट और क्लासिक कर दिया गया है। इसके इंटीरियर में होंडा की नई डिज़ाइन फिलोसफी नज़र आती है, जिसमें होंडा ने इसके डैशबोर्ड वगैरह को छोटा बनाया है ताकि पैसेंजर्स को ज़्यादा जगह मिल सके। इसके अलावा होंडा ने नई सिविक के अंदर बहुत ज़्यादा नए सेफ्टी फीचर्स भी ऐड किए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन को बड़ा करके 9 inches का कर दिया गया है। इसके अलावा सेफ्टी में एयरबैग्स पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही आएंगे। ये वो बेसिक चीज़ें थी जो होंडा की तरफ से कंफर्म की गई थी। इसके अलावा हम मजीद कुछ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में हर गाड़ी की प्रोडक्शन डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब पाकिस्तान में गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा फीचर्स निकाल लिए जाते हैं। और इसके साथ हमारी वीडियो का एक अहम सवाल सामने आता है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में कब लॉन्च की जाएगी। तो जनाब, नई होंडा सिविक पाकिस्तान में इस साल नहीं आएगी। 11th जनरेशन होंडा सिविक 2022 में पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी, क्योंकि ग्लोबली भी इसकी सेल्स 2022 में शुरू होंगी। पाकिस्तान में ये गाड़ी 2022 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च की जाएगी। अब इसके साथ हमारा दूसरा अहम सवाल सामने आता है और ये सवाल इसकी प्राइस के बारे में है। तो इस सवाल का जवाब यह है कि नई आने वाली होंडा सिविक की प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि जिस प्राइस पॉइंट पर पुरानी होंडा सिविक सेल हो रही है उसी प्राइस पॉइंट पर नई होंडा सिविक भी सेल होगी। अगर नई होंडा सिविक की प्राइस में कोई डिफरेंस आता है तो वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हम उम्मीद करते कि जब नई होंडा सिविक आए तो वो इसकी प्राइसेस को कम से कम रखें ताकि ये पाकिस्तान में आने वाली बाकी तमाम नई गाड़ियों से कम्पीट कर सकें। अब इसके साथ हमारी वीडियो इख्तिताम पे पहुंचती है। जिस तरह हमें और मजीद इसके बारे में डिटेल्स पता लगती जाएंगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम ये डिटेल्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पोस्ट करते हैं तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। हमारे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट बेहतर से बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करती है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।